अगर फ्रेंड्स आपके पास है वीवो का Y22 और इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेटिंग करना है या फिर फिंगरप्रिंट को आप ऐड करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो कंप्लीट सेटिंग मैंने आपको इस वीडियो में बताई फिंगरप्रिंट की, क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट। ये आपका ऑलवेज में काम करता है, आप इसको ऑलवेज में नहीं रखना चाहते हो, आप चाहते हो जो आपका स्क्रीन ऑन होने पर आपका फिंगरप्रिंट काम करे, तो इस तरीके की भी सेटिंग आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके फोन की जो सेटिंग रहेगी उसको ओपन कीजिए, हल्का सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे की ओर आ जाइए। आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको सबसे पहले तो इस फोन में स्क्रीन लॉक सेट करना होता है। तो चलिए स्क्रीन लॉक सेट कर लेते हैं। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन लॉक में तीन टाइप से इसको आप लगा सकते हैं, पैटर्न, पिन और आपका देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो जो भी फ्रेंड्स आप लगाना चाहें यहाँ पे उसको सेलेक्ट कीजिए। दो बार फ्रेंड्स आपको सेम पासवर्ड लगाना होगा और कंफर्म कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप इसको डन कीजिए। डन करने के बाद अब आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इस पर ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके जो आपका स्क्रीन लॉक है उसको सेट करेंगे और यहाँ स्टार्ट इनपुटिंग पर क्लिक करेंगे, एंड आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और एग्री पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं इस फोन के अंदर उस फिंगरप्रिंट को टच कराइए फ्रेंड्स और सभी तरफ इसको मूव कीजिए, तो आपका जो फिंगरप्रिंट रेखाएं होंगी इस फिंगरप्रिंट जब टच कराएंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा, तो अनलॉकिंग में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो सब तरह से अपने फिंगरप्रिंट को आप इस पर टच कराइए, तो टच कराएंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा और ये लग जाएगा, या डन कर देंगे तो आपका ये सेट हो जाता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी आप स्क्रीन ऑफ रहेगी और इसको अनलॉक करेंगे तो डायरेक्ट अनलॉक ये हो जाता है। अब ये चाहते हो आप जैसे कि आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो तभी काम करे आपका फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट पर आप क्लिक कीजिए, स्क्रीन लॉक को सेट कीजिए। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट अनलॉक मेथड, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो लॉक स्क्रीन रहेगा उस पर फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, जब स्क्रीन को ऑन कर लेंगे तभी आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा। तो ये बेस्ट फीचर रहता है, आपको इसको ही सेलेक्ट करके रखना है। अगर किसी और फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऐड फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करके दूसरे फिंगर को आप लगा सकते हैं।